तो एक डीएफएस का डेप्थ फर्स्ट सर्च जो हम लोग पढ़े थे, डेप्थ फर्स्ट सर्च में एक छोटा सा टॉपिक रिमेनिंग रह गया था, क्या है कि टाइप्स ऑफ एजेस के बारे में, जैसे कितना टाइप्स का एजेस एक ग्राफ में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं कि मान लो डायरेक्टेड ग्राफ गिवन है। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या हो गया कि ये जो है सबका डायरेक्शन डायरेक्शन पहले से डायरेक्टेड है, मतलब डायरेक्शन के साथ में एज गिवन है। ठीक है, जैसे एज मान लो एक ग्राफ गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब इतना नोड्स है और ये सब वर्टेक्स है, मतलब नोड्स है वर्टेक्स है और ये सब एज है, जिस सबके सब एज में डायरेक्शन भी साथ में अटैच्ड है। ठीक है, अब इसके बारे में अगर बताना हो कि डीएफटी ट्री अगर ड्रॉ करना हो, DFT ट्री अगर ड्रॉ करना हो तो क्या करेंगे, किसी एक पार्टिकुलर वर्टेक्स से, किसी भी एक पार्टिकुलर वर्टेक्स से हम लोग ट्री को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो मान लो हम लोग स्टार्ट किए हैं, स्टार्टिंग वर्टेक्स अगर हम लोग O1 लिए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग वर्टेक्स अगर हम O1 लिए हैं तो O1 से मान लो कि हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस केस में मान लो इस साइड में हम डेप्थ में जाना है ना, किसी भी साइड में हम जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो इसके डेप्थ में हम ऐसे जाना स्टार्ट करते हैं, O1 से 7 गए, उसके बाद 6 गए, मतलब क्या, O1 से हम 7 गए, O1 से 7 आए हैं, उसके बाद में 7 से हम 6 गए हैं, 7 से कनेक्टिंग डायरेक्टेड है, डायरेक्शन है एज में, 6 आने का रास्ता है, हम 6 पर आए। उसके बाद में एक और देख रहे हैं, एक और रास्ता क्या है कि 5 आने का रास्ता है 6 से, मतलब 6 से 5 हम चले आए। ठीक है, इसके बाद देख रहे हैं कि हम कहां कोई नया एज पर जा सकते हैं क्या, तो 5 से हम देख रहे हैं क्या कि 5 से आउट कहीं नहीं एज गया है, 5 के बाहर कहीं एज नहीं जा रहा है। ठीक है, मतलब कि आउटेज जो है 5 का वो 0 है, मतलब 5 से कहीं नहीं जा सकते हैं। तो यहां से हम बैक ट्रैक किए हैं, यहां से वापस हम 6 के पास में गए। यहां देखे कि यहां 6 से किसी नया एज के पास में, मतलब किसी कोई भी एज लेकर किसी न्यू वर्टेक्स जो कि अनविजिटेड वर्टेक्स हो, जिसको विजिट नहीं किए हैं अब तक, वहां पर हम जा सकते हैं क्या। तो देखिए क्या 6 से एक एज तो यहां जा रहा है, एक तो 5 पर आया, एक और एज जाने वाला है जो कि ऑलरेडी O1 विजिटेड एज पर ही आ रहा है, मतलब विजिटेड वर्टेक्स पर ही आ रहा है। ठीक है, तो यहां से 6 से O1 पर आ रहा है, तो O1 ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब क्या, फिर से यहां से भी बैक ट्रैक किए, 7 पर हम चले गए। 7 पर जाने के बाद देखिए कि 7 से बाहर और कहीं नहीं जा रहा है, केवल 6 पर ही जा रहा है, तो फिर से बैक ट्रैक करके हम लोग O1 पर चले आए। ठीक है, O1 पर आए वापस, तो यहां से O1 से हम ड्रॉ करना स्टार्ट किए थे, O1 से 7 आए, 6 आए, 5 आए, यहां तक हम ड्रॉ किए, फिर वापस 6 पर गए हैं, वापस 7 पर गए हैं, वापस O1 पर गए हैं। ठीक है, O1 पर चले गए, यहां के बाद देख रहे हैं क्या कि यहां से एक अनविजिटेड वर्टेक्स पर एक एज जा रहा है, मतलब कि O1 से 2 पर जा रहा है। ठीक है, तो O1 से 2 को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो O1 से 2 को हम ड्रॉ कर लिए, O1 से 2 पर हम चले आए। ठीक, उसके बाद 2 से देख रहे हैं क्या, 2 से 3 भी जा रहा है, मतलब क्या है, 2 से 3 भी हम चले आए। इसके बाद में 3 से 4 जा रहा है, तो क्या किए, 3 से 4 हम लोग चले आए, 3 से 4 चले आए। अब 4 से 5 भी जा रहा है, लेकिन 5 ऑलरेडी विजिटेड है, 5 को पहले ही हम विजिट कर चुके हैं। ठीक है, मतलब कि 4 पर क्या करना है, स्टॉप करना है, क्योंकि सारा जितना भी वर्टेक्स था, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 वर्टेक्स था, यहां विजिट किए हैं, यहां पर कितना है, 3, 3, 6 और 7 7 जितना वर्टेक्स है सबको हम विजिट कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, मतलब क्या, O1 से स्टार्ट किए थे, 7 आए, 6 आए, फिर 5 आए, फिर यहां से बैक ट्रैक किए हैं, यहां से बैक ट्रैक किए, यहां से बैक ट्रैक किए, फिर O1 से फिर से 2 आए, 3 आए, 4 आए, यहां पर हम स्टॉप कर गए, क्योंकि मेरा ट्री जो DFT ट्री फॉर्म करना था, DFT ट्री हम फॉर्म कर लिए। ठीक है, ट्री को अच्छे से देखो, जहां रेड मार्किंग किया हुआ है, ये ट्री हम लोग DFT ट्री हम बनाए हैं। ठीक है, अब इसमें देखना है कि जितना भी ट्री का एज है, जो ट्री का एज है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्री एज बोलते हैं। मतलब क्या, ट्री एज का सिंपल मीनिंग क्या है कि जो ग्राफ से हम लोग, जब ग्राफ से हम लोग DFT ट्री हम बनाएंगे, जो भी ग्राफ है, ग्राफ से हम लोग DFT ट्री जब बनाते हैं, उसमें जितना भी एज रहे, उस ट्री में जितना भी एज रहेगा, वो सबको हम क्या बोलेंगे, ट्री एज बोलेंगे। ठीक है, एक नाम उसको गिवन है, क्या है, ट्री एज है। कौन कौन से एज है भाई, तो देखो इस एज को T1 नाम रखे हैं, इसको T2 रख दिए, T3, T4 इसको रखे, इसको T5, इसको T6। ठीक है, T1 से T6 तक ये सब एज क्या है, ट्री एज है। ठीक है, ट्री एज है। उसके बाद में देखते हैं कि और भी कुछ टाइप ऑफ एज है क्या, तो एक और देखो एज क्या है, एक और एज क्या है, सिंपल देखो कि यहां पर देखेंगे जब, तो 6 से O1 जाने का भी एक रास्ता है ना, देखो 6 से O1 जा रहा है ना, 6 से O1 जा रहा है ना,
601 जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि देखो 6 जब हम विजिट किए थे, इसके पहले 1 को हम विजिट कर चुके थे। 6 को विजिट करने से पहले 1 से हम स्टार्ट किए, 1 से हम 7 आए थे, फिर 6 आए थे, लेकिन 6 से एक बैक जा रहा है, 6 से एक बैक जा रहा है। कहां पर जा रहा है? अपने एंसेस्टर के पास में जा रहा है, अपना पूर्वज, मतलब इसके पहले जो विजिट हो चुका है नोड, इसके पहले जो विजिट हुआ है नोड, अपने एंसेस्टर के पास जा रहा है वो, समझ रहे हो बात को? इससे पहले जो विजिट हुआ है वहां पर जा रहा है, सेम लाइन में है, इसी लिंक में। 6 से पहले जो विजिट हुआ है वो 1 को विजिट किए, फिर 7 को, उसके बाद 6 को, तो 6 से वापस 1 के पास जा रहा है। तो ये जो 6 से वापस 1 के पास जा रहा है ना, इसको हम बोलते हैं बैकेज, इसको बोलते हैं बैकेज। देखो यहां पर है 6 से 1 जा रहा है, इसको हम बोलते हैं एज, जो एज है इस एज को हम बोलते हैं बैकेज बोलते हैं। मतलब क्या बैकेज का मतलब क्या हो गया? किसी भी वर्टेक्स से किसी ऐसे वर्टेक्स के पास में एज जा रहा है, किसी ऐसे वर्टेक्स के पास में एज जा रहा है जो कि ऑलरेडी विजिटेड भी है और पर्टिकुलर गिवन करेंट वर्टेक्स है उसका एंसेस्टर है। उसका क्या है? एंसेस्टर है। एंसेस्टर मतलब क्या हुआ? उसका पूर्वज है, मतलब क्या? उससे पहले ऑलरेडी विजिटेड है, ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है। मतलब क्या है कि 6 से पहले 1 विजिटेड, पहले से ही विजिटेड था, 1 को विजिट किया उसके बाद ही 6 पर आए थे। मतलब 6 से 1 पर जा रहा है, 1 क्या है? 6 का एंसेस्टर है, 6 से पहले ही 1 आया था, समझ रहे हो? तो 6 से जो एज जा रहा है 1 पर, इसको हम क्या बोलेंगे? वापस जो यहां जा रहा है, इस एज को हम बोलते हैं क्या बोलेंगे? बैकेज बोलेंगे। तो बोलो बैकेज है जो डीएफटी ट्री का पार्ट है क्या? नहीं, डीएफटी ट्री का पार्ट नहीं है। डीएफटी ट्री का पार्ट कितना है? केवल यहां पर जो वर्टेक्स हम एज लिखे हुए हैं, एज जो लिखे हुए हैं, ट्री एज लिखे हैं, बस ट्री एज ही, मतलब सारे वर्टेक्स को जो कनेक्ट कर दिया था ट्री बनाने के टाइम में, जब ट्री हम ड्रॉ कर रहे थे, ट्री ड्रॉ करने के टाइम में सारे वर्टेक्स जब कनेक्टेड हो गया था, कनेक्टेड जब हो गया था सारा वर्टेक्स, सब वर्टेक्स को हम रीच कर लिए थे, विजिट कर लिए थे, तो जितना एज रिक्वायर्ड था उस टाइम में ट्री बनाने के लिए, वही बस यहां ट्री एज रहेगा, ठीक है। तो ट्री का एज नहीं है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि इस ग्राफ में ट्री बनाने के बाद भी कुछ ऐसा एज है जिसको यूज नहीं किए हैं हम, कुछ ऐसा एज है जिसको हम ट्री में यूज नहीं किए थे, ठीक है। मतलब क्या? ये सब T1, T2, T3, T4, T5, T6, यहां से यहां तक जो एज आया है, इसके अलावा ये 6 ही एज है, 6 एज से और एक्स्ट्रा एज यहां पर है जिसका यूज हम नहीं किए थे, उस एज के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे 6 से जो 1 गया है, एज को हम नहीं लिए थे, इसको हम कंसीडर नहीं किए थे ट्री में, वही देख रहे हैं कि 6 से जो 1 एज जा रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बैकेज बोलते हैं। बैकेज मतलब क्या हो गया? कि अपने एंसेस्टर के पास में जा रहा है, इसे पहले विजिट हो चुका है, इसका एंसेस्टर ये है, ठीक है। ये हो गया बैकेज। और भी कहीं देखो बैकेज कहां पर मिल सकता है? बैकेज, बैकेज और नहीं कहीं है, ठीक है। तो बैकेज क्या हो गया? बैकेज में B1 हो गया, इसका नाम हम लोग दे दिए, ये जो 6 से 1 जा रहा है ये क्या हो गया? ये B1 एज हो गया, B1 मतलब कि बैकेज या कि B1 हो गया, ठीक है। उसके बाद में और भी आते हैं हम लोग, क्या देखेंगे, क्या एक और चीज देख रहे हैं कि O1 से 6 डायरेक्ट भी एक एज आया है, O1 से 6 एक डायरेक्ट एज आया है, मतलब कि O1 के बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5 पर हम आए थे, इस तरीके से आए थे ना, O1 के बाद 7, 6, 5 ऐसे हम आए थे ना। लेकिन एक और एज हम क्या देख रहे हैं कि O1 से डायरेक्टली 5 के पास आया हुआ एज है, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड एज। मतलब क्या? कि अपने डिसेंडेंट के पास में डायरेक्ट एक एज गया हुआ है, ठीक है। बैकेज मतलब क्या हो गया? बैकेज का मतलब क्या हो गया? कि अपने एंसेस्टर के पास में गया हुआ है जो कि ऑलरेडी विजिटेड है, जो कि ऑलरेडी विजिटेड है वर्टेक्स एंसेस्टर में, उसके पास में गया हुआ, उसको क्या बोलेंगे? बैकेज बोलेंगे, जो एंसेस्टर के पास में गया है, अपने पूर्वज के पास में गया है, और ऊपर है जो, ऊपर है जो अपना डिसेंडेंट के पास में जो डायरेक्ट एज फॉल करेगा, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड एज, ठीक है। तो एक फॉरवर्ड एज का कंसेप्ट होता है, क्या फॉरवर्ड एज का एक कंसेप्ट होता है, कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ भी लेता है कि ये ग्राफ है उसमें दे दिया कि कितना क्रॉस एज है, कितना फॉरवर्ड एज है, सबको काउंट करने के लिए पूछ दिया, या फिर डेफिनेशन ही पूछ दे कहीं पर, ठीक है। तो फॉरवर्ड एज का मतलब यही हुआ कि अपना जो उसका डिसेंडेंट है, जो नीचे आया हुआ, नीचे का पीढ़ी आया हुआ, नया जो आया हुआ है, सेम लाइन में, सेम लाइन से 1765, ठीक है, 1765 इसी लाइन में 5 आया हुआ है, तो यहां से जो आया है ना, ये देखो फॉरवर्ड एज है, मान लो इसको F1 कर लिए। और कौन सा फॉरवर्ड एज होगा भाई? देखो यहां देखो, 2 से डायरेक्टली 4 पर एक एज आया है,
टू से एक डायरेक्टली फोर पर आया है, जबकि जब हम ट्री बना रहे थे तब क्या हम यूज किए थे, वन के बाद टू, उसके बाद थ्री, उसके बाद फोर, तो टू से डायरेक्टली एक फोर पर एज आया हुआ है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ए भी फॉरवर्ड एज हो गया, अपना डिसेंडेंट के पास नीचे आया हुआ है डायरेक्ट एज, रास्ता कुछ और है लेकिन एक एज है, एक एज यहां से ऑलरेडी फॉल कर रहा है यहां पर अपने डिसेंडेंट के पास में, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड एज। सिंपल जानो, बैक एज का मतलब कि एंसेस्टर हो गया अपने पूर्वज के पास में चला जाएगा, और फॉरवर्ड एज का मतलब क्या हो गया कि अपने डिसेंडेंट के पास में चला जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज नोटिस करो, एक और चीज नोटिस करो क्या, कि जब हम ड्रॉ कर रहे थे, जब हम ड्रॉ कर रहे थे तो वन के बाद सेवन आए, फिर सिक्स आए, फिर फाइव आए, फिर बैक ट्रैक किए थे हम, उसके बाद में यहां से हम टू पर आए थे, यहां से हम टू पर आए थे, यहां क्या हम देख रहे हैं, यहां पर क्या देख रहे हैं कि टू से सेवन भी एक एज गया है, टू से सेवन भी एक एज गया है, मतलब क्या, टू से सेवन में यहां देखो एक एज गया है ना, एक एज गया है ना टू से सेवन में, टू से सेवन में एज गया है ना, तो अब बोलो यहां पर क्या कि टू से पहले सेवन रीसेट है, पक्का बात है, टू से पहले ये जो वर्टेक्स है टू, इसके पहले सेवन है जो विजिट किया गया है, ये बात कंफर्म है, मतलब क्या कि टू से सेवन वाला एज को भी क्या हम बोलेंगे, बैक एज बोलेंगे, नहीं बोल सकते हैं, टू से सेवन वाला जो है इसको हम बैक एज नहीं बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो फैमिली है ये खुद में एक फैमिली है, ठीक है, ये खुद में एक फैमिली है, मतलब क्या कि मान लो ये ग्रैंडफादर है, इसके नीचे में, इसके नीचे में इनका दो सन हुआ, दो सन हुआ, इसके बाद में क्या है, एक सन का अपना चल रहा है, एक अपना फैमिली चल रहा है सन का, दूसरे सन का एक अपना घर में अपना फैमिली चल रहा है, समझ रहे हो, ये ग्रैंडफादर अगर है, ये अगर ग्रैंडफादर है, इनका दो सन हुआ है, एक सन का अपना फैमिली चल रहा है, दूसरे सन का एक अपना फैमिली चल रहा है, ठीक है, तो ये दोनों में इसका क्या है, इसका एंसेस्टर ही नहीं है, टू का एंसेस्टर सेवन नहीं है, क्यों, क्योंकि तो इनका सन ग्रैंडफादर का सन है, मान लो यहां पर एस वन है और एस टू है, ये दोनों तो भाई है ना, ये दोनों भाई है ना, ग्रैंडफादर यहां पर है, ये दोनों सन है, ये दोनों तो भाई है, टू का एंसेस्टर थोड़ा ही है एस वन, टू का एंसेस्टर तो ग्रैंडफादर हुआ, समझ रहे हो बात को, मतलब कि टू का एंसेस्टर सेवन नहीं है, सेवन क्या है भाई, ये एज गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्रॉस एज, दो अलग अलग फैमिली को जो कनेक्ट करने वाला एज रहे उसको बोलेंगे क्रॉस एज, दो अलग फैमिली को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो टू से सेवन गया ये क्या बन गया, ये बन गया क्रॉस एज, ठीक है, ये क्रॉस एज बन गया, जैसे क्या सेम वैसे ही देखो, थ्री से सेवन जा रहा है, तो थ्री से सेवन जा रहा है, इसका फादर यहां पर है, थ्री है जो मान लो सी वन है, ये चाइल्ड है, थ्री का फादर है जो, अच्छा सी एच लिख लो, ठीक है, सी वन क्रॉस एज के लिए लिखे हैं, यहां पर देखो अगर सी एच चाइल्ड है और थ्री का एंसेस्टर कौन है, इसका फादर, इसका एंसेस्टर ग्रैंडफादर, तो यहां से थ्री से यहां पर जा रहा है, ये क्या है, इसका एंसेस्टर ये नहीं है, इसका अलग फैमिली है, इसका अलग फैमिली है, समझ रहे हो बात को, इसका मतलब क्या हो गया कि थ्री से सेवन जा रहा है ये भी क्या बन गया, ये भी एक क्रॉस एज बन गया, थ्री से सिक्स जा रहा है सेम वैसे ही, ये भी क्या बन गया, ये भी एक क्रॉस एज बन गया, टू से फाइव जा रहा है ये भी क्या बन गया, टू से फाइव भी एक क्रॉस एज बन गया, फोर से सिक्स जा रहा है ये भी एक क्रॉस एज बन गया, इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस एज बनेंगे, दो अलग अलग फैमिली का, दो अलग अलग सेपरेट फैमिली का अगर कोई एज कनेक्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्रॉस एज बोलते हैं, ठीक है, तो क्रॉस एज का कंसेप्ट यही है, क्रॉस एज का कंसेप्ट यही है, फॉरवर्ड एज हम लोग देख लिए हैं, बैक एज भी देख लिए हम लोग, बैक एज मतलब क्या हो गया कि गोइंग टू एंसेस्टर, फॉरवर्ड एज मतलब क्या है, डिसेंडेंट के पास में जाना, क्रॉस एज मतलब क्या है कि इंटर फैमिली रिलेशन, इंटर फैमिली रिलेशन मतलब कि एक अलग फैमिली है, एक अलग फैमिली है, एक दूसरे फैमिली से रिलेशन जो बना रहा है, एज जा रहा है एक फैमिली से दूसरे फैमिली पर जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस एज, समझ रहे हो, इंटर फैमिली रिलेशन है वो, ठीक है, ये समझ गए, क्रॉस एज समझ गए, इसका मतलब क्या है, देखो यहां पर ट्री एज हो गया, ये बैक एज हो गया, क्रॉस एज हो गया और फॉरवर्ड एज हो गया, सेम अगर डायरेक्टेड ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ है तो अगर डीएफ ट्री हम बनाते हैं इसमें इतना टाइप का, चार टाइप का एज ही पॉसिबल है, फोर टाइप्स ऑफ एज पॉसिबल है, ठीक है, मान लो यही ग्राफ अनडायरेक्टेड ग्राफ रहे, ये जो ग्राफ है अनडायरेक्टेड रहे, तो सेम ग्राफ नहीं लेते हैं, कोई और ग्राफ मान लो अनडायरेक्टेड हम ले लेते हैं, क्या है यहां वर्टेक्स लिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छह वर्टेक्स ले लिए हैं, इसका अगर हम बनाते हैं, इसका अगर डीएफ ट्री हम बनाते हैं क्या करेंगे, मान लो हम वन से स्टार्ट किए, ठीक है, वन से स्टार्ट किए, वन से हम स्टार्ट किए, वन से मान लो हम टू पर चले आए, टू से थ्री का देखो कनेक्शन है, एज है, टू से थ्री चले आए, थ्री से फोर चले आए, फोर से फाइव चले आए, फाइव से सिक्स चले आए,
फाइव से सिक्स है, सबके सब नोड फीचर हो गया, मतलब कि ये वन से टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरीके से हम आए हैं, क्योंकि कनेक्टेड है, सबके सब जाने का रास्ता। यहां पर क्यों नहीं जा पाए थे, यहां पर आकर फाइव में क्यों रुके थे, क्योंकि यहां से डायरेक्टेड एज को इधर नहीं था, लेकिन यहां क्या है, डायरेक्शन तो है नहीं, डायरेक्शन नहीं है मतलब क्या, बाई डायरेक्शन है, कहीं भी जा सकते हैं हम एज से, ठीक है। तो यहां से हम आए, यहां से डायरेक्टली वन रन में ही इस तरीके से वन के बाद टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे हम सबको विजिट कर लिए, ठीक है, ये बात समझ गए। अब इसके बाद में देखो, ये जो डीएफ ट्री बना है अभी वन से टू उसके बाद थ्री फोर फाइव सिक्स, ये जो रेड से जो मार्क किया हुआ है एज को, ये डीएफ ट्री बना है, इसमें अभी जितना भी एज है वो सब क्या बनेगा, ट्री एज बनेगा, मतलब क्या है, टी वन एक है, टी टू, टी थ्री, टी फोर, टी फाइव, ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया है ट्री एज बन गया है, ठीक है, ये बन गया है ट्री एज। उसके बाद में क्या है कि देखो यहां पर और भी एज है, जैसे सिक्स से वन में एक एज है, सिक्स से वन में एक एज है, ठीक है, सिक्स से वन में एक एज है, तो ये क्या होगा, सिक्स से वन जा रहा है अगर, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बैक एज बोलेंगे, मतलब क्या है, ये अपने एंसेस्टर के पास में जा रहा है, वन से स्टार्ट किए थे सिक्स पर आए हैं, ये क्या है, ये बैक एज है। इस ट्री के अकॉर्डिंग, इस डीएफ ट्री के अकॉर्डिंग, इस डीएफ ट्री के अकॉर्डिंग क्या है, ये बैक एज है, ठीक है, यहां से फाइव से भी वन पर जा रहा है, ये क्या है, ये भी बैक एज है, समझ रहे हो, मतलब क्या है कि यहां बैकेज हो गया, यहां पर देखो बीफोर भी बैकेज है, मतलब थ्री से सिक्स, सिक्स से थ्री आने वाला, सिक्स से जो थ्री आया, सिक्स से थ्री एज है, ये भी बैकेज हो गया, यहां सिक्स से टू आया है, ये भी बैकेज हो गया, सिक्स से फोर आया है, ये भी बैकेज हो गया, ठीक है, मतलब क्या हो गया, देखो बी वन बी टू से, बी से जो है बी टू हो गया, बी वन हो गया, बी फाइव हो गया, ये सबके सब क्या है, ये सबके सब है बैकेज। अब बोलो कि फॉरवर्ड एज कहाँ है, तो एक बात याद रखना कि अनडायरेक्टेड ग्राफ में जहां कहीं भी अनडायरेक्टेड ग्राफ रहे उसमें दो टाइप का एज ही एग्जिस्ट करने वाला है। अगर हम डीएफटी ट्री में बात करते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ का अगर डीएफटी ट्री रहे, डीएफटी ट्री अगर रहेगा अनडायरेक्टेड ग्राफ का, इसमें बस दो टाइप का एज ही एग्जिस्ट करेगा, एक रहेगा ट्री एज, दूसरा रहेगा बैक एज। यहां पर फॉरवर्ड एज और क्रॉस एज का कंसेप्ट नहीं रहेगा, फॉरवर्ड एज और क्रॉस एज का कंसेप्ट नहीं रहेगा। रीजन देखो क्या है कि क्रॉस एज के लिए सिंपल जानो कि क्रॉस कहां करेंगे भाई, वन रन में तो सबके सब एक ही फैमिली में आ रहा है ना लाइन से, देखो यहां से स्टार्ट किया, ऐसे जाते गए जाते गए जाते, सबके सब एक ही फैमिली में आया है। क्रॉस एज हम क्या बताए थे, क्रॉस एज का मतलब क्या था कि अलग अलग इंटर फैमिली रिलेशन होना चाहिए, इंटर फैमिली होना चाहिए, मतलब क्या, यहां पर एक ही फैमिली है, इंटर फैमिली कहां से रिलेशन होगा भाई, नहीं हो सकता है। और एक और चीज देखो कि फॉरवर्ड एज का अगर हम बात करना चाहें यहां पर, तो सिक्स है, सिक्स का जैसे ही देखेंगे तो इससे अगर हम डायरेक्टली देख रहे हैं तो हम वापस एंसेस्टर के पास में आ रहे हैं, वापस हम एंसेस्टर के पास में आ रहे हैं डायरेक्टली, तो एक ही रास्ता हम यहां से, एक रास्ता ही हम फॉलो किए हैं, वन वे ही हम फॉलो किए हैं, तो सबके सब अगर बैक एज में काउंट हम पहले कर चुके हैं तो फॉरवर्ड एज हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है वो, समझ रहे हो बात को, मतलब क्या है कि ना तो यहां क्रॉस एज होगा, यहां पर क्या है क्रॉस एज नहीं होगा और फॉरवर्ड एज नहीं होगा, कहां पर नहीं होगा भाई, जब डीएफटी ट्री हम अनडायरेक्टेड ग्राफ का, अनडायरेक्टेड ग्राफ का अगर हम डीएफटी ट्री फाइंड आउट करते हैं तो यहां पर बस दो टाइप का एज ही रहेगा, ट्री एज रहेगा और बैक एज रहेगा, लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ का अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो क्या क्या रहेगा, बैक एज, क्रॉस एज, फॉरवर्ड एज, ट्री एज, इसको यहां लिखे हुए हैं फॉर डीएफएस, डीएफएस के लिए, डीएफएस के लिए क्या लिखे हैं कि दो टाइप का ग्राफ एग्जिस्ट कर सकता है, एक है क्या, एक है डायरेक्टेड ग्राफ, एक है अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ में कितना टाइप, टाइप्स ऑफ एज होगा भाई, ट्री एज होगा, बैक एज होगा, फॉरवर्ड एज होगा और क्रॉस एज होगा। अनडायरेक्टेड ग्राफ अगर रहेगा डीएफएस के लिए तो क्या होगा, यहां पर ट्री एज होगा और बैक एज होगा, बस दो टाइप का एज रहेगा। अब सेम डीएफएस के लिए जो काम हम किए हैं, जो काम हम डीएफएस के लिए किए हैं वही काम हम करना चाहते हैं एक बार बीएफएस के लिए, ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए करना चाहते हैं, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो सेम काम हम लोग अभी बीएफएस के लिए करेंगे, मतलब तो अभी जो डीएफटी के लिए किए थे, डेप्थ फर्स्ट ट्री के लिए किए थे, ट्रावर्सल के लिए, वही सेम काम अभी हम लोग बीएफएस के लिए कर रहे हैं, मतलब कि ब्रेथ फर्स्ट ट्रावर्सल के लिए कर रहे हैं। इसमें करना क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या लिए हैं, डायरेक्टर ग्राफ को लिए हैं, ठीक है, तो डायरेक्टर ग्राफ लिए हैं, डायरेक्टर ग्राफ के ऊपर में जब बीएफटी ट्री हम लोग बनाते हैं तो देखो कैसे बनाते हैं, बीएफटी में क्या होता है, ब्रेथ फर्स्ट ट्रावर्सल, मतलब जो डायरेक्टली कनेक्टेड एज होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड एज जो है, मतलब कोई
पर्टिकुलर वर्टेक्स को अनविजिटेड वर्टेक्स को जो कनेक्ट कर रहा है को एज, सबसे पहले उस जितना भी डायरेक्टली कनेक्टेड वर्टेक्स होगा वो सबको पहले लिखेंगे, ठीक है। तो मान लो हम O1 से स्टार्ट करते हैं, मान लो हम O1 से स्टार्ट किए, तो क्या करेंगे, O1 से जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसे कौन कौन डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन है भाई, O1 से देखो 2 है, मतलब O1 से 2 है कनेक्टेड, उसके बाद में O1 से 3 है, तो O1 से 3 है कनेक्टेड, ये सब क्या है डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद O1 से 6 है, O1 से 6 है, O1 से 6 कर लिए, उसके बाद O1 से 5 भी है, O1 से 5 भी है, ठीक है, O1 से 5 है। अब क्या है, 4 डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या, तो O1 से डायरेक्ट कोई एज 4 पर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, मतलब कि 4 कहां से हम रीच कर सकते हैं, तो जिस सीक्वेंस में हम यहां वर्टेक्स को लिखे हैं पहले, सेम सीक्वेंस में फिर से हम 4 को विजिट करेंगे। तो यहां पर देखें क्या, O1 से 2 जब हम आए थे, मतलब कि O1 से 2 आए हैं, मान लो सबसे पहले O1 के बाद में हम 2 को लिखे हैं, ठीक है, O1 के बाद में हम 2 को लिखे हैं, 2 लिखे, 3 लिखे, 5 लिखे, 6 लिखे, मान लो इस सीक्वेंस में हम लिखे हैं, तो क्या करेंगे कि जब 2 लिखे हैं तो 2 से ऐसा कोई कनेक्टेड वर्टेक्स हो जो कि अनविजिटेड रहे उसको लिखेंगे। मतलब क्या देख रहे हैं कि 2 से कनेक्टेड कौन है, यहां पर 2 से कनेक्टेड है 4, ठीक है, तो यहां क्या किए, 2 से कनेक्टेड है 4 को हम ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अभी जितना एज बना है यहां पर, अभी जितना एज बना है वो सब कौन सा एज हो गया, ट्री एज हो गया, ठीक है। तो कौन कौन सा ट्री एज हो गया भाई, देखो 1 2 3 4 5 टोटल 5 है जो ट्री एज है, क्या T1 T2 T3 T4 T5, ये सब के सब क्या है, ट्री एज है, किसके लिए, BFT ट्री के लिए, ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ में, डायरेक्टेड ग्राफ में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहां पर कि बैक एज ऐसा भी है क्या, तो सिंपल देखो यहां पर 5 से O1 जा रहा है एक ना, 5 से O1 जा रहा है, O1 क्या है, 5 का एंसेस्टर है, ठीक है, मतलब क्या, O1 के बाद हम 5 को विजिट किए थे ना, ये बात पक्का है, O1 के बाद हम 5 पर आए थे, तो 5 से जो एज जा रहा है O1 पर, इसका मतलब क्या हो गया कि 5 से एक एज है जो अपने एंसेस्टर के पास में जा रहा है, ठीक है, तो जो एंसेस्टर के पास में जा रहा है वो कौन सा एज बनता है, वो बनता है बैक एज बनता है, ठीक है। यहां पर हो गया, और भी कोई एज है, देखो देखते हैं एक बार, 4 से जा रहा है 2 पर, 4 से जा रहा है 2 पर, ये भी देखो एक एज है, ये भी एज है, 4 से 2 पर जा रहा है, मतलब क्या हो गया, ये भी बैक एज हो गया, तो क्या हो गया, B1 और B2 है जो बैक एज हो गया, और भी कुछ एज हो सकता है, एक बार देख लेना ग्राफ में कोई रिमेनिंग रहे और भी एज लिख सकते हो, मतलब बैक एज क्या है ये हम बता रहे हैं, अपने एंसेस्टर के पास में जाना, अपने जो ऑलरेडी विजिटेड एंसेस्टर है उसके पास में जाना, बस यही बैक एज का डेफिनेशन है, जो DFS में था वही BFS में भी है, कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस बस एक चीज का यहां पर है कि देखो मान लो यहां पर क्या देख रहे हैं कि 4 से 5 में एक एज जा रहा है, यहां पर क्या 4 से 5 में एक एज जा रहा है, 4 से 5 में एज जा रहा है, ठीक है। तो 4 देखो, 4 इस तरीके से O1 से 2 आए, 2 से 4 आए हैं, एक अलग फैमिली है O1 टू 4 का, और 5 एक अलग फैमिली में है, ठीक है। तो यहां से जो एज जा रहा है क्या है, इंटर फैमिली रिलेशन है, इंटर फैमिली रिलेशन है, मतलब क्या है कि 4 से जो 5 एज जा रहा है ये कौन सा एज होगा, क्रॉस एज होगा, क्रॉस एज का डिफरेंस नहीं था, मतलब दो डिफरेंट फैमिली में जो एज कनेक्ट कर रहा है ऑलरेडी विजिटेड वर्टेक्स को वही एज है जो क्रॉस एज है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्रॉस एज हो गया। सेम और चीज देखिए क्या, 3 से 6 जा रहा है, यहां क्या है, 3 से 6 एक एज जा रहा है, ठीक है, तो 3 से 6 जा रहा है, 1 और 3 का एक अपना फैमिली है, 1 और 6 का एक अपना फैमिली है, तो 3 से 6 जा रहा है, इसका मतलब क्या है, 3 से 6 वाला एज क्या है, क्रॉस एज है, ठीक है। C1 और C2 क्या हो गया, C1 और C2 क्या हो गया, क्रॉस एज हो गया, और भी कुछ एज रिमेनिंग होगा वो सब कहां कहां आ सकता है, या तो बैक एज बनेगा या तो क्रॉस एज बनेगा, फॉरवर्ड एज इसमें नहीं बन सकता है। अभी जो हम लोग देख रहे थे कि DFS में जब डायरेक्टेड में हम किए थे तो फॉरवर्ड एज बन रहा था डायरेक्टेड ग्राफ के लिए, DFS में फॉरवर्ड एज बन रहा था, यहां पर फॉरवर्ड एज नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है, देखो एक बार सिंपल सोचो, वहां पर क्या था, वन से जो वन से कैसे आते थे, वन से हम 6 आते थे, 6 से हम 5 आते थे, तो वन से 5 वाला क्या था, फॉरवर्ड एज बन रहा था, यही बन रहा था ना, 1 से 5 जो आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फॉरवर्ड एज बोल देते हैं, 1 से 5 डायरेक्टली आने वाले एज को फॉरवर्ड बोलते हैं, क्यों, क्योंकि 1 से 6 आया है, 1 से 6 आया, 6 से 5 आया है, मतलब कि 1 से डायरेक्टली अपने डिसेंडेंट के पास में जा रहा है एक एज लेकर, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड एज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर BFS में हम लोग क्या करते हैं कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड है
ओवन का ओवन से जितना भी वर्टेक्स है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो सबको पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। ओवन से जो डायरेक्टली कनेक्टेड वर्टेक्स जितना भी होता है सबको हम पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब क्या है, ओवन से सिक्स जाएंगे और सिक्स से फाइव जाने का तरीका ही नहीं है, सिक्स से फाइव हम लोग को जाना ही नहीं है, हम लोग डायरेक्टली ओवन से ही फाइव चले जाएंगे। समझ रहे हो, डायरेक्टली हम ओवन से ही फाइव जा रहे हैं, मतलब इस एज को हम यूज कर रहे हैं तो फॉरवर्ड एज ना रह के बल्कि क्या बन गया, ये तो ऑलरेडी ट्री एज बन गया है। ओवन से फाइव का देखो, ओवन से फाइव का एक एज है जो ट्री एज बन गया है, मतलब कि फॉरवर्ड एज का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखना है चीज कि BFS में क्या है, BFS जब हम फाइंड आउट करेंगे डायरेक्टेड ग्राफ में तो क्या देखेंगे कि ट्री एज रहेगा, बैक एज रहेगा, क्रॉस एज रहेगा, लेकिन फॉरवर्ड एज नहीं रहेगा। समझ रहे हो बात को, फॉरवर्ड एज यहाँ पर जितना भी एज यहाँ पर रहेगा, जितना भी एज है या तो ट्री एज में आ सकता है, या तो बैक एज में आ सकता है, या तो क्रॉस एज में आ सकता है, फॉरवर्ड एज कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये देख लिए हम लोग, एक इसके लिए देखे BFS ट्री कहाँ हम फाइंड आउट किए, डायरेक्टेड ग्राफ में किए। अब हम लोग सेम काम को अनडायरेक्टेड ग्राफ में भी करते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ में भी सेम काम को BFS से हम लोग BFS ट्री फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ क्या देखेंगे, मान लो ओवन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो हम ओवन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या है भाई, ओवन से कौन कौन कनेक्टेड है डायरेक्टली, ओवन से टू सिक्स फाइव। ठीक है, ओवन से टू सिक्स और फाइव यहाँ आ गए, उसके बाद में जाते हैं टू के पास में जाते हैं, टू से कौन कौन है, थ्री और फोर, टू से कौन है, थ्री और फोर, कितना टोटल वर्टेक्स था, एक दो तीन चार पांच छह वर्टेक्स हम लिखे हैं और छह वर्टेक्स ही टोटल है, मतलब क्या अब कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ जो एज बना है, जो स्टार्टिंग में ट्री बनाने के लिए एज बना है, ये सब के सब कौन सा एज बन गया, ये सब ट्री एज बन गया है। कितना एज हुआ, एक दो तीन चार पांच, ये पांच क्या बन गया, ये पांच मेरा बन गया है ट्री एज बन गया, टी वन टी टू से लेकर टी फाइव तक। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं क्या कि फोर से फाइव के लिए भी एक एज है। देखो यहां पर क्या है, फोर से फाइव के लिए ये एक एज है, एज कैसा है भाई, तो फोर यहां पर फोर का अपना फैमिली है, वन टू फोर का, और वन फाइव का अपना फैमिली है, मतलब कि इंटर फैमिली जो रिलेशन है इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर फैमिली जो रिलेशन है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्रॉस एज बोलेंगे हम लोग, इंटर फैमिली जो रिलेशन है इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस एज बोलेंगे हम लोग। ठीक है, और यहां पर देखो और भी देखते हैं क्या, थ्री टू सिक्स है, थ्री से सिक्स है, थ्री यहां है सिक्स यहां है, इसको क्या बोलेंगे, थ्री से सिक्स में क्या है, इसका वन टू थ्री का अपना फैमिली है और वन सिक्स का अपना फैमिली है, मतलब क्या है, थ्री टू सिक्स जो आ रहा है इस एज को हम लोग क्या बोलेंगे, इस एज को भी क्रॉस एज बोलेंगे, टू से सिक्स आ रहा है इसको भी क्रॉस एज बोलेंगे, मतलब कि यहां पर क्या है कि ट्री एज रहेगा और क्रॉस एज रहेगा, यहां पर बैक एज का कंसेप्ट नहीं रहेगा, यहां पर बैक एज और फॉरवर्ड एज का कंसेप्ट यहां पर नहीं रहेगा। जबकि इसके पिछले वाले में हम क्या देख रहे थे कि क्रॉस एज रह रहा है, क्रॉस एज रह रहा है, बैक एज है और ट्री एज है, मतलब बैक एज यहां पर एग्जिस्ट कर रहा था, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन था इसमें गिवन, डायरेक्शन गिवन था, इसलिए यहां पर बैक एज भी हम लोग को मिला था, जबकि अब यहां पर बैक एज नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि बैक एज जैसे ही, बैक एज का मतलब क्या होता है, अपने एंसेस्टर के पास में जाना, यही होता है ना, बैकेज का सिंपल मीनिंग क्या है कि अपने एंसेस्टर के पास में जाना, तो मान लो यहां से यहां जाने का एक रास्ता रहेगा, लेकिन इस बैकेज वाले रास्ता को तो डायरेक्टली वन से फाइव में हम यूज कर लिए हैं ना, इस बैकेज वाले को तो हम ट्री एज बना दिए हैं, देखो वन से फाइव जो आया है, वन से फाइव इसको तो हम ट्री एज बना दिए, क्योंकि डायरेक्शन तो है नहीं इसमें, तो डायरेक्शन जब नहीं है तो यहां से बैकेज होता है, अगर डायरेक्शन होता है यहां पर तो बैकेज बनता है, जैसे कि यहां पर क्या हुआ है, इसमें क्या हो गया है कि डायरेक्टेड ग्राफ जहां पर है इसमें क्या है, बैकेज बना है, बैकेज इसमें बना है, फॉरवर्ड एज नहीं है, लेकिन बैकेज यहां पर है, फॉरवर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली जो फॉरवर्ड एज था वो डायरेक्टली यहां पर हम पहले ट्री एज बना चुके थे, या अब क्या है, अब इसमें क्या है कि डायरेक्शन नहीं है, तो जो बैकेज का पॉसिबिलिटी है वो भी खत्म हो गया, ना तो फॉरवर्ड एज रहा ना तो बैक एज रहा, मतलब क्या है, दो ही टाइप का एज रहा, क्या क्या, ट्री एज रहा है और क्रॉस एज रहा है। ठीक है, ये समझ गए, मतलब कि ओवरऑल ध्यान रखना है, ओवरऑल बस ध्यान रखना है कि अगर DFS है, डेप्थ फर्स्ट सर्च है, और DFS ट्री बनाते हैं, DFS ट्री हम बनाते हैं अगर,
डेप्थ फर्स्ट ट्रावर्सल अगर करते हैं हम लोग तो डायरेक्टेड ग्राफ होगा। दो टाइप का ग्राफ हो सकता है, एक डायरेक्टेड हो सकता है और एक और क्या हो सकता है, अनडायरेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो डीएफएस अगर हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ में करते हैं तो फोर टाइप्स ऑफ एजेस फाइंड आउट करेंगे हम लोग को मिलेगा, चार तरह का एज मिलेगा। एक क्या है, ट्री एज, बैक एज, फॉरवर्ड एज और क्रॉस एज, टोटल फोर टाइप्स का हम लोग को एज मिलने वाला है। कहां पर भाई, जब डीएफएस करेंगे डायरेक्टेड ग्राफ में करेंगे तब, लेकिन डीएफएस अगर हम लोग अनडायरेक्टेड ग्राफ में करते हैं तो क्या मिलता है, ट्री एज, बैक एज, क्रॉस एज, फॉरवर्ड एज यहां पर नहीं होता है, फॉरवर्ड एज नहीं होता है। क्यों नहीं होता फॉरवर्ड एज, क्योंकि डेप्थ के लिए हम कर रहे हैं, डेप्थ के लिए हम देख रहे हैं यहां पर, और डायरेक्शन यहां नहीं है, डायरेक्शन यहां नहीं है, समझ रहे हो। तो डायरेक्शन नहीं है तो जो फॉरवर्ड एज है ऑलरेडी पहले ही ट्री एज में कन्वर्ट हो चुका है, ट्री में उसको हम कंसीडर कर चुके हैं। मतलब क्या है कि डीएफएस के लिए जब हम लोग अनडायरेक्टेड ग्राफ में करेंगे तो यहां पर फॉरवर्ड एज का कोई कंसेप्ट यहां पर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या BFS में देखते हैं। जब BFS हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ में करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, एक ट्री एज मिलेगा हम लोग को, बैक एज मिलेगा, क्रॉस एज मिलेगा, यहां पर भी फॉरवर्ड एज हम लोग को नहीं मिलने वाला है, फॉरवर्ड एज यहां पर भी नहीं मिलेगा। BFS करेंगे डायरेक्टेड में तभी हम लोग को फॉरवर्ड एज नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि फॉरवर्ड क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो फॉरवर्ड एज है वो डायरेक्टली BFS में क्या करते हैं, ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल, सबसे पहले जितना भी नेबरिंग वर्टेक्स है सबको हम लिस्ट डाउन करते हैं BFS में, BFT बनाते हैं, जितना भी नेबर का वर्टेक्स है सबको हम लिस्ट डाउन करते हैं। तो जहां फॉरवर्ड एज का पॉसिबिलिटी था वो तो हम ट्री में कंसीडर पहले ही कर लिए हैं, वो तो हम ट्री में कंसीडर कर दिए। ठीक है, तो यहाँ फॉरवर्ड एज कंसेप्ट यहाँ BFS में भी नहीं है जब डायरेक्टेड में होगा, और BFS जब हम लोग अनडायरेक्टेड में करेंगे, जब अनडायरेक्टेड में BFS करेंगे तो यहाँ पर केवल और केवल ट्री एज और क्रॉस एज रहेगा, यहाँ पर बैक एज भी नहीं रहेगा और फॉरवर्ड एज भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जो टेबल है इस टेबल को अच्छे से याद रखना, ये टेबल को याद रखना है इतना को, और सबके लिए हम बता दिए हैं क्या भाई ट्री एज कौन सा होता है, कि जब हम ट्री बनाते हैं मिनिमम एज को लेकर, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस को लेकर जब हम ट्री बनाते हैं जिसमें कि साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा, ट्री का मतलब क्या होता है, साइकिल फॉर्म नहीं हो। ठीक है, जब हम ट्री बनाएंगे और उस ट्री में जितना भी एज है वो सब एज को क्या बोलेंगे, ट्री एज बोलेंगे। बैक एज का मतलब क्या हो गया, बैक एज का मतलब क्या हो गया कि जब कभी भी किसी पार्टिकुलर वर्टेक्स से उसके एंसेस्टर तक जाने का रास्ता रहे, किसी भी पार्टिकुलर वर्टेक्स से उसके एंसेस्टर तक जाने का रास्ता रहे, उसके पूर्वज तक जाने का रास्ता रहे, उस एज को हम लोग क्या बोलेंगे, बैक एज बोलेंगे। फॉरवर्ड एज का मतलब क्या हो गया, जो एंसेस्टर के पास जा रहा था ना, अब है क्या, एंसेस्टर से अपने डिसेंडेंट, समझ रहे हो, मान लो एक पार्टिकुलर वर्टेक्स से एंसेस्टर के पास में जा रहा था, एंसेस्टर के पास में जा रहा था एक एज, अब क्या बोल रहा है, एंसेस्टर से नीचे की ओर आ रहा है, मतलब कि डिसेंडेंट के पास में आ रहा है, सेम फैमिली, इंटर फैमिली नहीं होना है, सेम फैमिली में आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड एज बोलेंगे, कि डिसेंडेंट के पास में आ रहा है। ठीक है, और क्रॉस एज का मतलब क्या हो गया, कि इंटर फैमिली रिलेशन है, कहीं से भी हम लोग स्टार्ट किए हैं, मान लो यहां से स्टार्ट किए, एक इस तरीके से ऐसा जा रहा है, एक इस तरीके से ऐसा जा रहा है, तो यहां से अगर यहां जा रहा है बैक, तो इसको बोलेंगे बैक एज, यहां से अगर यहां आ रहा है इसको बोलेंगे फॉरवर्ड एज बोलेंगे, और अगर यहां से कोई यहां चला रहा है इसको बोलेंगे क्रॉस एज, समझ रहे हो। यहां एक क्या है, एक अपना फैमिली है, यहां से यहां आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर फैमिली है, तो क्रॉस एज, चाहे यहां से यहां आ जाए या यहां से यहां आ जाए, कुछ भी इंटर फैमिली रिलेशन हुआ तो क्रॉस एज उसको हम बोल लेंगे। ठीक है, और इनिशियली जितना ट्री में सब एज था ये सब एज को क्या बोलेंगे, ये सब एज को बोलेंगे ट्री एज, बस यही कंसेप्ट इतना है। ठीक है, सही है, अच्छे से जो भी क्वेश्चन आए इस तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं कहीं आ सकता है कोई भी एग्जाम में, या फिर ऐसा दे सकता है कि सब मतलब क्रॉस एज कितना है उसको बताओ या क्रॉस एज का नाम बताओ, ऐसा अगर क्वेश्चन आ सकता है कहीं भी, फॉरवर्ड एज, नंबर ऑफ फॉरवर्ड एज कितना है, नंबर ऑफ बैक एज कितना है, ये सब क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, छोटा क्वेश्चन है आ सकता है कहीं भी, ये क्वेश्चन को सही से बनाना, फिर सही है, पढ़ो फिर अच्छे से।